विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की। हम आज क्या विश्वास रख रहे हैं, अंतर मन से यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी का ही परिणाम आपको दिखाई देने वाला है और चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है, यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज है तो एक ही आवाज में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह ध्यान की शक्ति सबको मिले, सबके अंदर जो व्यक्ति है अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें, ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभेच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें। करुणा भाव से, साक्षी भाव से जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे। तो विश्वास नियम को समझो। विश्वास नियम क्या कहता है? विश्वास नियम के अनुसार आप जिस परिणाम पर अंतर मन से विश्वास करते हैं, जिस परिणाम पर अंतर मन से विश्वास करते हैं, वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है। जिस परिणाम पर आप अंतर मन से विश्वास करते हैं, वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। चमत्कार का रूप यानी लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाए वे बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंतर मन ने जब मान लिया तो ये चमत्कार होता है। आप बाहर से एक कहते हो, अंदर से कुछ और कहते हो, तो ये विश्वास का रूपांतरण नहीं होता। विश्वास का रूपांतरण होना चाहिए। विश्वास जैसे पानी 100 डिग्री तक गर्म होता है तो बाफ बनता है, उसके पहले नहीं।
तब उसमें ऐसी ताकत होती है कि इंजन को चला सकती है, वो बाफ इंजन को चला सकती है, गाड़ी को चला सकती है, मगर उस रूपांतरण के पहले नहीं। वैसे ही विश्वास जो आपके अंदर है ही, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर विश्वास नहीं है, कोई पार्शलिटी नहीं हुई है, हर एक के अंदर ये विश्वास है, केवल उसका रूपांतरण होने की देरी है। ऐसा क्या हम सुने, ऐसा क्या हम समझें जिससे हमारे विश्वास में रूपांतरण हो जाए, और जो जीवन में हम स्वास्थ्य चाहते हैं, जीवन में जो ज्ञान चाहते हैं, जीवन में जो भक्ति चाहते हैं, जीवन में जो शक्ति चाहते हैं, जीवन में जो रिश्ते चाहते हैं, जीवन के अंदर जो समृद्धि चाहते हैं, जीवन में जो चुस्ती चाहते हैं, जीवन में जो हुनर चाहते हैं, जीवन में जो कला हम चाहते हैं, वो प्रकट हो जाए, वो आपके जीवन में आ जाए, ये विश्वास की ताकत है। तो हम आज क्या विश्वास रख रहे हैं, अंतर मन से यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी का ही परिणाम आपको दिखाई देने वाला है और चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। लोग जिस विश्वास से कार्य शुरू करते हैं उसका फल उन्हें मिलने लगता है, उसका प्रतिफल उन्हें मिलने लगता है। कुछ लोग किसी विशेष ड्रेस में किसी कार्य के लिए जाते हैं और वो कार्य हो जाता है तो हर बार वो क्या सोचते हैं, ये ड्रेस पहनकर जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। उनका यकीन क्या होने लगता है, मैं इंटरव्यू में पास हो गया, मैंने उस दिन ये ड्रेस पहनी थी। वो विश्वास वे बाहर की चीजों में करना शुरू करते हैं। घटनाएं कुछ होती हैं और इंसान भले अज्ञान में कुछ चीजों पर विश्वास करने लगता है और उसका परिणाम उसे दिखाई देने लगता है। आपको ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ विश्वास करना सीखना है तो ये अंधविश्वास नहीं होगा, अंधविश्वास की बात नहीं चल रही है, ये तेज विश्वास की बात चल रही है। तो हर एक के अंदर है विश्वास। एक डाकू भी है, डाका डालने से पहले देवी की पूजा करके जाता है, मैं सफल हो जाऊं, भरपूर दौलत लेकर आऊं, और वो अपने विश्वास के अनुसार रिजल्ट पाता है। उसको डाउट होता है आज पुलिस आ सकती है, उसका डाउट काम करता है, उसका संदेह उसका विश्वास, ये दोनों काम कर रहे हैं। एक विश्वास घात करता है, एक संदेह मात करता है। एक विश्वास घात करता है, एक संदेह मात करता है। संदेह मात यानी संदेह को समाप्त करता है। आपके अंदर ऐसा विश्वास आए जो संदेह मात करे, संदेह हमारे सारे निकल जाएं। तो कुछ उदाहरणों से आप ये बात समझ रहे हैं कि विश्वास जो है किस वजह से तैयार होता है, विश्वास किस बात की वजह से तैयार होना चाहिए। विश्वास नियम हमारे जीवन में कैसे खुलकर काम करें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।